कुछ उलझनी है राहों में, पर कोशिशें हजार, मिल जाती हैं मंजिलें गर चलें लगातार। सरकार दिव्यांगों के साथ, मिली मुश्किलों को मात। उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं, उलझने हैं और हर पल किसी चुनौती से कम नहीं। ऊपर वाले ने शायद उनके लिए आसान जिंदगी की सारी नेमतें नहीं बख्शी हैं, पर अब ये मुश्किल आसान होती दिख रही है। निराशा के घने बादल छट रहे हैं, आशा की किरणों में राह साफ दिखाई पड़ने लगी है, और ये सब संभव हो पा रहा है झारखंड सरकार की दिव्यांगों के प्रति संवेदनशीलता, सहभागिता और सही दिशा में सक्रियता से। सरकार दिव्यांगों का हाथ थामे, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य के संवेदनशील मुख्यमंत्री रघुवर दास की दिव्यांगजनों को लेकर नित नई उत्साह वर्धक घोषणाओं से राज्य के दिव्यांग आशान्वित हैं। 3,29,00,000 की आबादी में 7,00,000 दिव्यांगजन यहाँ मैप है। तो हम भारत सरकार के साथ मिलकर जो झारखंड में 7,00,000 दिव्यांगजन परिवार, उनके चेहरे पे खुशहाली। राज्य की महामहिम राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की दिव्यांगों के प्रति संवेदनशीलता ने एक नए उत्साह का संचार किया है कि अब परिस्थितियां जल्द बदलेंगी। सरकार के दिव्यांगों के प्रति संवेदनशीलता के कारण आज मोबाइल कोर्ट में लगने वाले जागरूकता शिविरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यहां हजारों की संख्या में दिव्यांगों की शिकायतों का त्वरित निपटारा किया जाता है। झारखंड राज्य के नेत्रहीन एवं मूक बधिर छात्र छात्राओं हेतु सरकार द्वारा विशेष विद्यालय संचालित किया जा रहा है। प्रत्येक दिव्यांग को गरिमापूर्ण जीवन यापन का अधिकार एवं अवसर देने के लिए सरकार दृढ़ संकल्प है। झारखंड राज्य के दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इनके शैक्षणिक, इनके सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित हो रही है। दिव्यांगजन हमारे समाज के अभिन्न अंग हैं, हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। दिव्यांगता से जुड़ी योजनाएं बनाना, उन्हें लागू करना, दिव्यांगों का पुनर्वास, प्रशिक्षण और उनकी समस्याओं की शीघ्र सुनवाई करना सरकार की नीति का हिस्सा है। राज्य के 6 जिलों रांची, दुमका, हजारीबाग, जमशेदपुर, धनबाद और पलामू में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र बनाए गए हैं। इसी सोच के साथ दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। राज्य के दिव्यांगजनों के लिए कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम कॉम्पोजिट रिहैबिलिटेशन सेंटर यहाँ खोला जाएगा। इसके लिए सरकार द्वारा 2 एकड़ जमीन भी दी गई है और 2 साल के अंदर ये पूरा हो जाएगा। लेकिन जब तक ये पूरा नहीं होता, अगले 1 महीने के अंदर सदर अस्पताल में 1 तल्ले पर हम इसको चालू करेंगे और इसके तहत सब कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड फैसिलिटी दिव्यांगजनों को दी जाएगी। इसके अलावा सभी दिव्यांगजनों के लिए अगले 1 वर्ष के अंदर हम लोग एक आईडी कार्ड की व्यवस्था करा रहे हैं। एक कंप्यूटराइज डेटाबेस रहेगा और इस आईडी कार्ड में उनकी जो फिजिकल डिसेबिलिटी है वो भी एक तरह से सर्टिफाइड होगी और ये एक ऑमनिबस कार्ड रहेगा जिसको वो लोग अपने जब भी उनको आवश्यकता पड़ेगी उसका इस्तेमाल कर सकते। दिव्यांगता विकास में बाधक न बने, इसके लिए भारत सरकार ने दिसंबर 2016 में दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम बनाया है। इसमें सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों को 4% आरक्षण देने की व्यवस्था है। शिक्षा क्षेत्र तथा गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों में उन्हें 5% आरक्षण मिलता है। अत्यधिक दिव्यांगों को गृह आधारित शिक्षा उपलब्ध कराने पर विचार किया जा रहा है। शैक्षणिक संस्थानों में उन्हें सामान्य विद्यार्थियों के साथ शिक्षा का अवसर दिया जा रहा है। सरकार की ओर से उन्हें छात्रवृत्ति भी दी जाती है। स्वामी विवेकानंद दिव्यांग स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत
राज्य के लगभग 1.5 लाख लाभुकों को प्रतिमाह 600 रुपए सहायता राशि मिलती है। दिव्यांगों को सरकारी सुविधाओं का समुचित लाभ प्रदान करने के लिए सरकार उनकी दिव्यांगता के प्रतिशत का आकलन करती है। उन्हें इसका प्रमाण पत्र दिया जाता है। 40% से अधिक शारीरिक दिव्यांगों को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराने के साथ साथ उचित प्रशिक्षण देकर सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। सरकार दिव्यांग जनों के लिए खेलकूद एवं उनके सांस्कृतिक उत्थान के लिए कृत संकल्प है। बाधा मुक्त पहुंच नीति के तहत सरकार की ओर से सार्वजनिक जगहों जैसे रेलवे स्टेशनों, बैंकों और सरकारी कार्यालयों में दिव्यांगों के सरल आवागमन की व्यवस्था की गई है। नेत्रहीनों के लिए जहां निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की गई है, वहीं अन्य दिव्यांगों को यात्रा में 50% छूट दी जाती है। दिव्यांगों की आवश्यकता के अनुसार उन्हें निःशुल्क श्रवण यंत्र, वैशाखी और कृत्रिम अंग तथा ब्रेल पुस्तकें आदि भी सरकार उपलब्ध करा रही है। आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहिया और सहायिकाओं के माध्यम से दिव्यांगों एवं उनके घर वालों की काउंसिलिंग हो रही है। निःशुल्क तकनीकी सुविधा, टीकाकरण तथा दवा आदि मुहैया कराई जा रही है। उनके पुनर्वास के लिए प्रति 10 दिव्यांग बच्चों पर एक विशेष प्रशिक्षक के सरकारी प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार दक्ष विशेष शिक्षकों की नियुक्ति कर रही है। दिव्यांगजनों और उनके परिवार वालों के लिए सरकारी आवास में 4% आरक्षण दिया जा रहा है तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें आवास मिल रहा है। दिव्यांग खिलाड़ी को उनकी उपलब्धि के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने की पहल की जा रही है। झारखंड सरकार राज्य के सभी दिव्यांगों के लिए समान अवसर, अधिकार की सुरक्षा तथा संपूर्ण भागीदारी के संवैधानिक नियमों का ईमानदारी से अनुपालन करती है। झारखंड सरकार दिव्यांगजनों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए कृत संकल्प है। इनके विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगों के सरकारी नौकरियों में एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में 4% का आरक्षण दिया जा रहा है। गरीबी उन्मूलन के जितने भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनमें 5% आरक्षण का लाभ सुनिश्चित किया जा रहा है। राज्य की संस्कृति, न्याय एवं समानता को महत्व देते हुए दिव्यांगों की ओर सहयोग का हाथ बढ़ाती है। सरकार मानती है कि उन्हें सही अवसर, संरक्षण एवं प्रोत्साहन मिले तो वे एक बेहतर और आत्मनिर्भर जीवन जी सकती हैं, एक स्वस्थ और विकसित समाज बनाने में योगदान दे सकती हैं।